आपको क्या, आपको भी यही बीमारी है क्या? जो बाबा जी खड़े हो रहे थे, गोल घुमाओ सब। प्रणाम जी। मुझे ये बीमारी नहीं, कमर दर्द में आराम हो गया, पाँव में नीचे जो था होगा, लेकिन घुटनों में दर्द अभी भी है। चलो उसमें 25-30% फायदा हुआ है। कमर में कितना हुआ? कमर में 40-50 से ज्यादा हो गया है। उम्र कितनी है? उम्र 68। 68 में इतना कर लिया है, कम बात है। और पाँव पाँव में नीचे जो है रिवर्स होनी शुरू हो गई ना, डिजीज रिवर्सिंग, बैक गियर लग गया बीमारी को। और पाँव में नीचे जो है बिल्कुल काला पड़ गया था, वो कालापन जो है 90% खत्म हो चुका है। ये पूरे काले थे, ब्लड पूरे काले हो गए थे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, वो पूरा खत्म हो गया है। और शुगर बीपी तो कुछ नहीं था? शुगर प्री डायबिटिक अभी डिसाइड हुआ, डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। और बीपी? बीपी है अभी क्या हाल है? बीपी 150/90 था अभी। अब बीपी भी इसका, अब जैसे एक साथ ही आपका ही प्रॉब्लम है। अब 68 में आप तो अब दौड़ने लग रहे हो आप? नहीं, धीरे धीरे चल पा रहा हूँ, चलता हूँ, दौड़ने का नहीं हो पा रहा है। दौड़ा देंगे, 68 में भी दौड़ा देंगे, अभी चल पा रहे हैं। और मेरे एक मित्र को 24/7 जो है कान में सीटी बजती रहती है, डेनेंसिस की डिजीज है, और उसका एलोपैथिक में कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में इलाज किसका ये बता दो। चलो, वो एलोपैथिक में तो बस दवाई लीजिए और दूसरी बीमारी ले लीजिए। एक के बदले दो प्रसाद मिलते हैं वहां। वो जो कहते हैं एक पर एक फ्री। इसके लिए हम लोग सारी वाद्या बटी देते हैं, सारी वाद्या बटी, चंद्र प्रभाव टी चला जित्र सैन, ठीक हो गया था तमाम ठीक। तो खैर, अभी मैं 8-10 बड़ी बीमारियों के बारे में बता देता हूँ। काफी अलग अलग बीमारियों से यहाँ परेशान आप भाई बहन है। SLMS, ऑटोमैन डिजीज, ये कान कून की, आंखों की, ये तो बीमारियां करते करते बाय प्रोडक्ट के रूप में ठीक हो जाते हैं। पार्किंसंस जैसे रोग, इसके बारे में मैं देखता तो था, लेकिन देखो एक चीज से नहीं होगा। फिर वापस कह रहा हूं, योग पूरा, आयुर्वेद भी पूरा, नेचुरोपैथी की चिकित्सा थेरेपी भी पूरी, फिर इसके साथ साथ पूरी तरह से मन में विश्वास, निष्ठा, इसको बोलता हूं मैं, यह बहुत बड़ा है। क्योंकि मन यदि आपका शांत है तो सारी चिकित्साएं बेकार हो जाती हैं। तो आपके मन में थोड़ी शांति होनी चाहिए, थोड़ा विश्वास होना चाहिए, निष्ठा, उसको मैं बोलता हूं योग निष्ठा, गुरु निष्ठा, संकल्प निष्ठा आपकी दृढ़ होनी चाहिए। तो सूक्ष्म मैम कराते कराते पार्किंसंस मैंने मिटा दिया। इससे पहले मैं बोलता था आराम होता है, अभी मैं कह रहा हूं कि ठीक कर दिया है पार्किंसंस को। और बाकी तो ये सफेद दाग, ये कुछ नहीं है, तो सब पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज, कैंसर किसी भी जगह का हो, लेकिन उसमें शर्त बड़ी खतरनाक है। जब आपको सामने मौत खड़ी है तो मेरी बात मान लो, क्या दिक्कत हो रही है? बैठे बैठे अनुलोम विलोम भी तो करना है। कितनी भयंकर गांठ हो 1-3 महीने में, जैसे कल वो बेटी आई थी ना मंच के ऊपर ही, 1-3 महीने में गांठ ठीक, 3 महीने में गांठ ठीक, मोटी मोटी 10-15 mm तक की, लेकिन कितने कितने देर किया, 2-2 घंटा कपाल भाती, 3-3 घंटा अनुलोम विलोम। और डॉक्टर ने बोले थे ये होगा वो होगा, करते करते प्रेग्नेंट भी हो गई और बच्चा भी हो गया, पता भी नहीं लगा सबका अपना कब ठीक हो गए। लेकिन करना पड़ता है। देखो अब कुछ लोग स्वामी जी करते, मैं बोलता हूँ उसको पूरा फॉलो करो, योग पूरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ काम करो, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, और जैसा जीने के लिए बोलता हूँ वैसा जियो, तो 100% एफिकेसी मिलेगी, कोई बीमारी हो जाए, कोलाइटिस कितनी भयंकर बीमारी, 50-50 बार लोग टॉयलेट जा रहे थे, खूनम खून आ पारा तुम्हें ना बहता था खून का, यह हालत थी, आंतें सड़ गई, काटनी पड़ेंगे, क्या क्या सब। कल एक बच्चा वापस आया, एक बेटा बीच में ठीक कर दिया था, बीच में एक झटका लग गया था उसको, अप्लास्टिक के नेम में, किधर वाला अप्लास्टिक के नेम में वाला बालक, इधर आ। तुम्हें क्या कहना है भाई, पैर सामने खोल लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और जो मोटापा वाले हो तो 100 बार ये कर लो, और जो अर्थराइटिस वाले हैं वो अपना 100-100 बार ये अभ्यास करो,
ये लड़का यदि यह नहीं आता तो कम से कम 3 से 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल में मर जाता। एपिलेप्सी के नेम, इसको प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं शशिकांत शर्मा रुद्रपुर उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से ही हूँ सर। जी जी। ये मेरी पत्नी है सत्या शर्मा। सत्या शर्मा जी, करो सूक्ष्म एम कर लो। 2008 से इनको रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ। उसकी दवाई खाते 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 गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए। गॉल ब्लैडर रिमूव कराया 2015 में। बाइल डक्ट इंजरी हो गई, बाइल ड्रेन होना ही बंद नहीं हुआ। पीजीआई लखनऊ में जाकर के एक मेजर ऑपरेशन हुआ तो ये ड्रेन आना बंद हुआ। उसके बाद से इनको हार्निया की अब शिकायत हो गई। यूट्रस में फाइब्रॉइड भी है, उन्हीं दवाओं के असर से जो है इनको शुगर भी हो गया है। रूमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट हैं, आरएफ फैक्टर 500 प्लस है, उनकी मशीन की औकात 500 है, तो स्वामी जी 500 प्लस उन्होंने लिख रखा है। तो अभी अभी 31 तारीख को यहाँ आए हैं स्वामी जी, और तब से डॉक्टर अनुराग जी के नेतृत्व उसमें। कितना उम्र है इनका? इनकी उम्र 47। ठीक है, तो ठीक कर देंगे, इसमें क्या बात है। तो स्वामी जी इसी उम्मीद से तो आपकी सेवा में आए। सुबह 5 बजे आस्था चैनल हमारे घर में चालू हो जाता है। घर देखो, घर में कोई कोई भी काम करता रहे आपका आस्था चैनल चलता रहता है, फिर इंडिया टीवी वाला आपका प्रोग्राम, ये पूरा परिवार, हमारे बच्चे। स्वामी जी मेरी भी एक बेटी सीए है, दूसरी बेटी सिविल की परीक्षा की तैयारी कर रही है, प्रीलिम्स में केवल 1 नंबर से उसका रह गया। और सर तीसरी बेटी हमारी जो है पैरामेडिकल से वो कर रही है, ऑप्टोमेट्रिक कर रही है। आशीर्वाद है सबको, अब 1 नंबर भी पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगे यार, आशीर्वाद। देखो अब मैं आर्थराइटिस के ऊपर थोड़ी देर बात कर लूँ, गोल घुमाओ थोड़ा सा, और जो मोटापा कम करना हो 100 बार ये कार्यक्रम रखो चालू अपना, 100 बार करना ये और 100 बार ये भी करना, कर लो अपना अपना। ठीक, मिलेंगे, बोला है ना मैंने। कल तो मैं दोपहर को जा करके रात को लौटा हूँ 2 बजे और फिर आ गया तुम्हारे पास अभी, गोल गोल घुमाओ। गोल गोल घुमाओ, पूरा करो। अब आर्थराइटिस केवल योग से जब इतना भयंकर हो जाता तो केवल योग से बात नहीं बनेगी। तो बोल जी फिर आप तो कहते हो केवल योग से, मैं बोलता हूँ ना केवल योग से मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, डायबिटीज, कितनी बीमारियां तो ठीक हो जाती है, सैकड़ों बीमारी और क्या करोगे, को लूटोगे। भाई एक चीज का एक सामर्थ्य है ना, लेकिन जब शरीर पूरा ही बेकार हो रखा है तब फिर पीड़ा नील देना पड़ेगा, ऑर्थोग्रिड देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मसल्स मसल्स डैमेज हो चुके हैं, तो स्प्रिल्यूना, फिर जो है कर्क्यूमिन गोल्ड, ये कैंसर से लेकर के रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के अलग अलग चीज़ों में हमने अब पूरी आपके लिए लगभग तो 50 तो नई औषधियाँ बना दी। फिर विटामिन भी यदि कम है, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ये सब कम है, मैग्नीशियम, जिंक, तो इसके भी नेचुरल विकल्प हमने खोज लिए हैं। और अब आपको जो है कल भारत स्वाभिमान का, पतंजलि योगपीठ का, दिव्योगमय ट्रस्ट का, जितने भी अपनी संस्थाएं हैं वो एक बार शुरू हुआ फिर सिलसिला वही चलता रहा, तो कल संस्था का स्थापना दिवस है, कल से और विशेष आनंद करेंगे। और 5 जनवरी का आचार्य है ना, हाँ चलो गोल गोल घुमा लो, लड्डू जलेबी रसगुल्ला एक ही साथ मिलेंगे, बातों बातों में सब खिला दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ खान पान पर पूरा थोड़ा सा इतना नियंत्रण करते हैं, पूरा बैलेंस करते हैं सब, पहले इतना माल खा रखा है तो तुम्हारे हिस्से का माने तुम्हारे नाम से हजारों बच्चों को खिला देंगे, गरीबों को खिला देंगे, कुछ भिखारियों को खिला देंगे, कुछ कुश्तियों को खिला देंगे, तो तुम्हारे नाम से खा रहे सब लड्डू जलेबी रसगुल्ला सब साथ खिला देंगे। खिलाने पिलाने में मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, जब मेरे पास में मतलब कोड़ी भी नहीं होती थी तब भी घी का पीपा भरा रहता था। हाँ ये बात पक्की बताता हूँ आपको, खाने पीने में मैंने अन्न सेवा में इसमें कोई कमी नहीं होती। करो सब, देखो ये बेटा यहां पर है और खतरनाक मौत के मुहाने पर खड़ा था, किसके
मौत के मुहाने पर। इसकी हालात ये थी, ये अब तो थोड़ा देखने में भी थोड़ा सुंदर दिखने लग गया, इसका चेहरा काला काला सा और ऐसे ऐसे इसका मतलब बनावट उल्टी पुल्टी हो गई। बड़ा खूबसूरत था पहले भी बचपन में, बीच में ही झटका लग गया इसको एप्लास्टिक एनीमिया का, इसमें हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है, बॉडी के पैरामीटर्स धीरे धीरे गड़बड़ होने लगते हैं और फिर डॉक्टर बोल देते हैं तो ये भी कैंसर जैसी ही एक बीमारी है, ऐसा बोल देते हैं और फिर आदमी ओल्ड हो जाता है, जबकि कुछ चक्कर नहीं। अरे खून हीमोग्लोबिन कम हो बढ़ जाएगा, इतनी सी बात है। और उसी में डरा डरा के आदमी को रात में भी सपने में भी मौत दिखे, कब गया अब गया, सुबह होगी कि नहीं होगी, ऐसी हालत हो जाती है आदमी की। एक गलत एक एनर्जी सर्किल नेगेटिव पैदा हो जाता है और उसमें आदमी के भीतर विध्वंस होने लगता है। अभी क्या हाल है बेटा तेरा, इधर करो तुम लोग करो। पहले आया था तो बहुत मतलब कमजोर था, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी हीमोग्लोबिन कितना हो गया? अभी 7, पहले करवा के आया था 7 आया था। और 4 तक पहुंच जाता था? हाँ 4.7 पहुंच गया था। 4.7 और क्या क्या लक्षण? प्लेटलेट 50 से नीचे रहते हैं मेरे, अब जाके थोड़े से ठीक हुए हैं। 50 एक बार 20 भी आ गए थे यहाँ पर, फिर 20,000। हाँ 20,000। और अब कितने हैं? अब जब करवा के आया था तो 55 के आसपास थे। अब इसके प्लेटलेट भी बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट बढ़ाने की पूरी दुनिया में वो चढ़ा तो देते हैं, बढ़ाने की दवाई नहीं चढ़ाने की है, चढ़ाए तो किसी का भी लेके चढ़ा दो लेकिन वो फिर डाउन हो जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो पपाया, पपीते के पत्तों का रस, अनार, गिलोय, एलोवेरा, ये कंटिन्यू ले रहे हो नहीं आप? हाँ जी, पपीता, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और गिलोय ताजा लो, बढ़ जाएगा पूरा। तो फिर वो प्लेटलेट और क्या क्या गड़बड़? और उस दवाई ली मैंने 17 साल, तो मेरा लीवर डैमेज हो गया है। अब दवाइयाँ ली थी इसने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए, उससे लीवर और गड़बड़ हो गया। अभी अब लीवर का क्या? लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है, पर अभी जो ब्लूरूबिन मेरा 5 आ गया था तो यहाँ पर डाउन होके 3 आ गया। हेलो, ब्लूरूबिन 5 से 3 आ गया है। अभी इसको बताओ लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इसका, फिर लीवर ट्रांसप्लांट करेगा तो बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगी, वैसे ही वीक है तो लीवर ट्रांसप्लांट क्या करके क्या करेगा। लेकिन इसका लीवर जो है उसी को ठीक करेंगे, हमारे पास है लीवामृत और लिवोग्रिट, वो दोनों चीज ले रहा हूँ। दोनों ले रहा है। अब तो इसके चेहरे पर मुस्कान है, ये लड़का मतलब बहुत खराब हालत में आया, दूसरी बार आया, अब इसको पूरा ठीक करना है। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 27। और पढ़ाई क्या कर रहे हो? मैं जॉब करता था, छूट गई। जॉब भी कर रहा था? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर ले। अब ये 25-26 साल की उम्र में इसने इतना कुछ देख लिया, शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे दांत से ब्लीडिंग हुई थी। दांत से ब्लीडिंग हुई, पता लगा, फिर एम्स में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, बोन मैरो हुआ था मेरा, पीछे रीढ़ की हड्डी से मेरा ब्लड लिया था और मतलब वाइट सेल्स लिए थे, तो पता चला कि बोन मैरो ब्रेकेज है, 55% काम करता है। ओ, अब इस तरह से बीमारियों का कुचक्कर शुरू होता है। क्या नाम बेटा? अमन। अब इसको अमन के लिए, इसके जीवन में अमन चैन रहे, अब ये सुख शांति रहे, सब इसके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। और ये बच्चा पुरुषार्थी है, इसका संकल्प बड़ा मजबूत है, इसको मैंने एक बार भी हिम्मत हारते हुए रोते हुए नहीं देखा, बोले स्वामी जी मुझे ठीक होना है और आपकी बात पर मुझे विश्वास है। मैंने कहा बेटा विश्वास के पीछे विज्ञान भी है, लेकिन करना तो पड़ेगा, देखो तुमको पुरुषार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस लड़की का लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, मैं तुम्हारे सबके सामने ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और एप्लास्टिक के नाम भी इसका अच्छा होगा, लेकिन इसको समय लगेगा करीब साल भर, क्योंकि शरीर में उपद्रव बहुत हुए हैं ना। लेकिन ये आश्वस्त है और इसको दिख भी रहा है परिणाम, ठीक है बेटे, अपना बस बच के रहना सर्दी जुकाम बुखार से। एक बार इसको बीच में झटका लगा, पहले एक बार काफ़ी रिकवर कर दिया था इसको, फिर झटका लगा फिर ठीक कर दिया, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, एक एक घंटा करना है, ऐसे नहीं बनेगी बात। कुछ लोगों ने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर रखा है सब जगह कि बस गुरु जी महाराज कृपा कर दो, और वो भी कृपा का कारोबार करते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, ये भी एक एक्टिंग आजकल। फिर ऐसे ऐसे हमको तो पोज भी नहीं बनाना आता ठीक से कर
अरे भाई आशीर्वाद तो मिलेगा सबको, बैठो बेटा भी आएंगे आपके पास। हाँ करते रहो सब। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मेरा नाम जितिका है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मुझे कोलन कैंसर है। एक 2 महीने से मुझे पेट में काफ़ी दर्द रह रहा था और खाना कुछ भी नहीं रह रहा था पेट में। कुछ भी खाने से मुझे बार बार मोशन जाने पड़ रहे थे, दिन में 10 से 15 बार जाना पड़ रहा था और हर टाइम मोशन में ब्लीडिंग होता था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो कोलोनस्कोपी वगैरह सब किया तो कोलन कैंसर है बोल के डिटेक्ट हुआ। तो हम लोग सीधा यहीं पे आ गए। सर्जरी के लिए बोले थे डॉक्टर, तो हमें वो नहीं करवाना था सर्जरी वगैरह, मेजर। उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 35। तो तेरा कोलन कैंसर 100% अच्छा होगा, अभी उम्र है ना इसकी, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। योग पूरा कराएंगे, आयुर्वेद की दवा पूरी देंगे, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट पूरा करेंगे जी। और तेरा कोलन कैंसर 6 से 9 महीने में 100% अच्छा होगा ज्योति बेटी, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी रेडिएशन के, बिना किसी क्यूमो के, 100% विदाउट एलोपैथिक मेडिकेशन इसका कैंसर ठीक होगा जी। डॉक्टर ने कहा था कि रेगुलर कीमो लेना पड़ेगा और एक बार सर्जरी से ठीक नहीं होगा वो वापस जैसे ही आएगा फिर से रिकरेंस तो होता ही होता है, 99% केसेस में होता है ये। तो कोई लोग योग आदि और सारी चीजें जो हम नेचुरल लाइफस्टाइल बोलते हैं उसको अडोप्ट कर लेते हैं इसलिए बच जाते हैं, नहीं तो रिकरेंस वो पूरे वर्ल्ड वाइड। आप कैंसर के बारे में कहीं पढ़ लो, कोई स्वामी रामदेव थोड़ी कह रहा है कैंसर केयरेबल डिजीज नहीं है। ऑपरेशन रेडिएशन क्यूमो ये आपके वो कहते हैं आपका 5-10 साल लाइफ स्पेन बढ़ा देते हैं और क्वालिटी लाइफ तो रहेगा ही नहीं। हम कहते हैं क्वालिटी लाइफ भी है, बीमारी के साथ नहीं जीना तो ठीक हो जाएगी बेटा ज्योति। इंडिया टीवी में देखा था आपने जो गोखरू और गिलोई बोला था तो मैंने वो अपने मन से ही वो स्टार्ट कर दिया था तो मुझे 3-4 दिन में ही ब्लीडिंग बंद हो गया मुझे। क्या बात है, छोटी छोटी चीजें करके ही इसने अपने आप को, अब जाओ छोटा सा गोखरू और गिलोई लिया उसी से ही ब्लीडिंग बंद कर ली जी। तो बेटा अच्छी हो जाएगी। आपने बोला था मरने से पहले एक बार मेरे पास आ जाना इसलिए यहाँ पे आ गए। अब तेरे को मैंने कहा मरने को मरते समय आएंगे, मर गए अरे भाई थोड़े पहले आ जाओ जैसे ज्योति का आ गई। तो कुछ जब जिनको प्रॉब्लम होती है वो सीरियसली मुझे सुनते हैं तो मरने से पहले आगे तो तेरे को मरने नहीं दूंगा बेटा। धन्यवाद। पक्का एकदम खुश है बेटा। एक ये भी जवान सी लड़की है, तेरे को क्या हुआ? इधर यहीं ऊपर आ। अब ऐसे ऐसे बच्चे छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां शायद लेके आ जाते, मुझे तो पता भी नहीं इसको क्या बीमारी है। करो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अभी काफी दुखी सी दिख रही थी बहुत देर से। हाँ, क्या इधर बैठ, क्या नाम है, क्या तकलीफ है तेरे को? ओम बाबा जी, मेरा नाम प्रियंका है। मुझे 13 साल से डायबिटीज है। अभी मैं 16 साल की हूँ और इंसुलिन पर डिपेंडेंट। टाइप 1 है कि वैसे ही? टाइप 1 है। और मुझे बीच में मेरी नवंबर में तबीयत खराब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत इमरजेंसी केस था। फिर उन्होंने मेरी इंसुलिन 2 टाइम से 4 टाइम कर दी थी। अब कितनी है इंसुलिन? अभी 3 टाइम लग रही है। कितनी? 1 टाइम 12 लग रही है, शुरुआत में अभी परसों आई थी तो मुझे 16 16 एक बार लग रही थी। दिन भर में मुझे 46 यूनिट्स लगते। 46 यूनिट तो ठीक हो जाएगी। और बाबा जी मेरे पैर में गांठ हो गई है तो डॉक्टर को दिखाया इधर ही, डॉक्टर अभिषेक और फिर एक और थी तो उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। कहाँ पर गांठ? कहाँ देखी नहीं रही अभी? ये गांठ थोड़ी है, तो कौन सा है, तो छोटी सी बात, इसका कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक हम दवाई लगा देंगे निकल जाएगा पूरा भाग, ठीक है। अरे नहीं, कौन टांके टोंके नहीं लगा, उसको पता ही नहीं होगा, उसको बस समझा दे। एक हमने मस्से की दवा बना रखी है, उसको ऐसे थोड़ा सा कुरे देंगे हल्का सा, इसमें लगा देंगे, पट्टी बांध देंगे,
तीन से सात दिन के अंदर ये पूरा निकल निकल करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, कौन सा है, कुछ गांठ नहीं आई। और टाइप वन डायबिटीज, जो दोनों बच्चे कहाँ हैं कल वाले टाइप वन डायबिटीज वाले, दो तो ये बैठे हैं, दो जो इनका इंसुलिन बंद हो गया, श्लोक और हेतवी, वेर इज हेतवी, श्लोक तो आया हुआ है, हेतवी सारू छे सरस, श्लोक तेरा श्लोक को चंद ठीक हो रहा है, दोनों ठीक है, चलो इधर आओ दोनों, तुम भी करो कपाल भाती करो, मंडू का आसन में कपाल भाती करो, ऐसे नहीं। कल मैंने जवान बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में, किसी को डी किसी को सी, कल बुलाऊंगा उन बच्चों को, जवान जवान बेटियां, कुछ इंजीनियर है, एक तो बेंगलोर से आई हुई है, बोले स्वामी जी मैं आपके साथ इतनी एकात्म हूँ कि आप जैसे कहते हो वैसे ही जीना चाहती हूँ और बच्चों को भी उसी राह पर चलाना चाहती हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में सर्विस करती हूँ, लेकिन अपने बेटे को आपके पतंजलि गुरुकुल में पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, 3+ एजुकेशन, 3 साल के बच्चों से हम शुरू करते हैं, आ जाओ दोनों इधर, करो मंडू का आसन करो, कितनी बार करना है, एक आसन कितनी बार करना है बच्चों, हेतवी चलो, हाँ 5 मिनट एक एक करो, तुम भी करो, अभी इंसुलिन कितनी ले रही है, एक भी नहीं, कितना हो गया शुगर अभी, 119 आया है विदाउट इंसुलिन, सुन ले बाबू, अब 3 दिन हो गए इसको, खाली एक दिन की कहानी नहीं है, तीसरा दिन है ना, अभी 2 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है, 3 दिन हो चुके हैं, 100 के करीब शुगर आ रहा है, पहले इसका शुगर पहुंच गया था 500, और इंसुलिन ले लेकर के भी वो नॉर्मल नहीं होता था, बड़े फ्लैक्चुट अप डाउन, उससे तो आदमी मरता है, और इसका इसको तो ये कोमा में चला गया था, इसका हो गया था 650, ये तो और खतरनाक था इसका तो, आगे झुक, और तुम्हारा भी अब कल बंद कर दिया कि कितना है, खाली इसका नाम मात्र का चालू रखा है, अभी बंद कर देंगे तेरा भी, इसका 3 टाइम लेता था, आज बंद कराएंगे तेरा, 4 यूनिट ले रहा है, कितना 6, दो यूनिट ले रहा है, कुछ नहीं होता, खाली नाम चारी के लिए, ये आदमी को ये लगे ना कि जैसे वो गाय भैंस को दूध निकालते हैं ना, कोई दूध देती नहीं तो इंजेक्शन से निकालते हैं, और फिर इंजेक्शन पहले तो देते हैं दवाई वाला और बाद में पानी का मारते हैं, तो गाय को लगता है इंजेक्शन हो लग गया दूध दे देती तो ये आदमी को ये प्लेसिबो बोलते हैं उसको, ये दवाइयों में भी ऐसा होता है, खाली उनको ऐसा लगता है दवाइयां मिल गई, तेरे को भी टाइप 1 डायबिटीज है बाबू, आजा तू भी आ, ये टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे मैंने बुला रखे हैं, 2 नीचे बैठे हुए हैं, इनको धीरे धीरे कंट्रोल आ रही है, बैठ कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा कितना कुछ आया कंट्रोल, अभी थोड़ा आया, इसको थोड़ा मैंने कहा ना इसको क्रिटिकल था, इसके छोटे भाई को थोड़ा और नॉर्मल था, तेरा तो ठीक है छोटे बाबू, आगे झुको, आगे झुक करके 5 मिनट करो लगातार कपाल भांति, इसी में झुक करके 5 मिनट करना, 2.5 मिनट करके, तेरा कितना है बेटा इंसुलिन, 3 टाइम, प्रियंका का भी 3 टाइम, तेरा क्या नाम बेटा, नाम क्या है, हैं? धर्म, धर्म शर्मा, तो आगे मुंडू का आसन कर, हाँ 5 मिनट करना है लगातार, करो गर्दन आगे सीधी और इसी में कपाल भाती करो, ढाई ढाई मिनट करके करो सब। कल भी मेरे पास आते आते मैंने 10 बजे एक मैसेज देखा व्हाट्सएप पे कि उत्तर प्रदेश के एक IAS ऑफिसर को ठग लिया पतंजलि में रजिस्ट्रेशन, योग ग्राम में रजिस्ट्रेशन के नाम पर IAS ऑफिसर ठगे जा रहे हैं, बताओ बाकी नॉर्मलों का क्या होगा, जो चीज़ देश में बढ़िया चल रही हो उसके खिलाफ ठग खड़े हो जाते हैं, पतंजलि योगपीठ में डोनेशन के नाम पर लोग ठगते हैं,
रजिस्ट्रेशन के नाम, अब बताओ इतने बावले भाई अपना, आप पता है योगग्राम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। कुछ भी फर्जी लोग वेबसाइट खोल लेते हैं, चेक ही नहीं करते। मेरे फोटो कहीं पर भी लगा दो, मेरा फोटो लाल किले पर लगा दो। यहाँ 50,000 से लेकर के निरामयम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए ये बैठे हुए हैं जो 2 बच्चों को लेके आई हुई है। कितना ठगाई की थी, 1,80,000 ठगाई करके आए हुए, बताओ कहीं पर। और वो ठग बैठे हुए इधर उधर कहीं कहीं जगह, कहीं इंटीरियर में झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, बताओ कुछ आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं ना। अच्छा कुछ भी चला, और लोग भी इतने बावड़े, पता नहीं कैसे पैसे दे देते, हमको देते नहीं, ठगों को देते रहते। करो बेटा दो तरह से, ऐसे और ऐसे, 5 मिनट तक लगातार करना है, तो करके आगे झुक करके रुकना है। मैं दोपहर को मिलने वाला हूँ जो असाध्य रोगी है, कुछ सबको लगता है अभी मिला दो, दोपहर को और मिलेंगे जिनसे अभी नहीं बात कर पा रहे, मिलेंगे तेरे से मिलेंगे, चिंता मत कर, दोपहर को मिल लेंगे। कैंसर है कोई नहीं, ठीक होगा उसका। कैंसर वालों से, ये जो बहुत क्रिटिकल रोगी है ना, उनसे मैं रोज मिलता हूँ। मैंने कम से कम 1 घंटे का समय आप लोगों के लिए दे रखा है, पहले तो मैं कभी कभी मिलता था, अभी मैं रोज का कर दिया 1 घंटा रोगियों के नाम जो बहुत क्रिटिकल हैं। इसमें सामान्य वो नहीं, सर्दी जुकाम बुखार वाले मत आना, नहीं तो फिर जो है तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। आगे रुक झुको, आगे झुक करके कितनी देर रुकना है, 5 मिनट। जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी करो, ये मंडूकासन, शशकासन तो सबको करना है, वक्रासन, गोमुखासन, ये सबके लिए कंपलसरी है। पीछे से कुल्ले मत उठाओ, किसने ऐसे कर रखा है, यही ऐसे करोगे तो फिर घर कैसे करोगे तुम तो? करो बेटे, थकना नहीं, रुकना नहीं। तुम कब आए हो महापुरुष, झज्जर से बेरी वाले? आज ही आए, कर देंगे काम। अब छोटे छोटे बच्चों को मैंने बोल रखा है, 100 से ज्यादा बच्चों को मुझे कंटिन्यू फॉलो अप रखना है, और ये हो चुका है कार्यक्रम। अब पेन क्या, चलो सब झुको। तो मंडूकासन, शशकासन करो, जिनसे नहीं हो पाता है, कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन करो, करना है सबको, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, चुपचाप मत बैठो, करो बेटे करो। मंडूकासन में दो तरह से, फिर शशकासन, जिनको कमर में दर्द है तो आगे झुकना मना किया हुआ है तो थोड़ा उष्ट्रासन कर लो, थोड़ा आराम आराम से करो, पूरा बात बनेगी। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उज्जाई करो 11 बार। चलो वक्रासन करो बच्चों, ऐसे बैठो बेटा, थोड़ा इधर आ जाओ, आप भी करो ऐसे बैठो, कल मैंने जवान बेटा बेटियों को बुलाया था इंडिया टीवी के कार्यक्रम में, विटामिन्स की डेफिशिएंसी में 10-10 से नीचे चला गया था जिनका विटामिन डी, 1-1 घंटा सूर्य की रोशनी में बैठ के किया, 30 से ऊपर आ गया नेचुरल तरीके से। नहीं तो क्या देते हैं, मछली के लीवर का ऑयल, क्या गंदगी खाते हो। अब बिना मछली के लीवर के ऑयल के लिए हमने एक तो लाइकिन से बना दिया है, और मछली के करो 2.5 मिनट ऐसे करना, ऐसे घूम करके उधर देखो बाबू, ये तो भी विटामिन्स अच्छे कर लिए अपने, सबको मूड ऑफ होता था,
और सबको कटपट खटपट, डॉक्टर सलील जी सबके खटपट बंद हो गई, विटामिन डी बी ट्वेल्व पूरा कर लिया योग से, थोड़ा आयुर्वेद का प्रयोग किया, अभी आयुर्वेद में औषधियां भी पूरी दे दे रहे हैं। अब आपको जिनको डेफिशिएंसीज हैं उनको अभी मिलनी शुरू हो जाएगी इस महीने के अंत तक। पूरे भारत को पहले तो हमने मेडिसिंस का विकल्प कराया था उपलब्ध, अब ये न्यूट्रासिटिकल बोलते हैं, न्यूट्रासिटिकल विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व बी कॉम्प्लेक्स कैल्शियम आयरन जिंक मैग्नीशियम मल्टीविटामिन विटामिन ए विटामिन ई विटामिन सी, ये सब का विकल्प बहुत मेहनत करता हूँ मैं 18-18 घंटा। कल मैं बात कर रहा था, अब आज वाला तो वर्किंग आवर मेरे देखो सीधे 22 घंटे वाले ही हो गए, दो गाड़ी में थोड़े बहुत लेट गए आगे, रात को 11 बजे तक 11:30 बजे तक तो मैं फोन पे बात कर रहा था, कुछ काम थे। अब जिसको फुर्सत मिले बोले आप तो गाड़ी में हो अब तो बात कर सकते हैं, मैंने कहा मत सुनने दे भाई कोई बात नहीं। अपवाद रूप में तो कभी कभी 3-4 घंटे में भी गुजारा हो जाता है। अब मेरे को क्योंकि देख करके थोड़ी कह सकता है कि मैं 2-3 घंटे ही सोया हूँ, मस्त हूँ एकदम खुश हूँ। जब गुरु रहते थे तब भी जब ज़्यादा काम होते थे तो ऐसी तब से आदत पड़ी भी, कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पर, रोज कार्यक्रम नहीं करना है। तो मेरे से बोले देवप्रयाग के बच्चे बेटे देवश्रुति उधर है, तो बोले समझे आप इस सुबह से शाम तक इतनी मेहनत क्यों करते हो। मैंने कहा खुश रहने के लिए, मैं मेहनत करके पुरुषार्थ करके परमार्थ करके और पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित होता है उससे परमार्थ करके खुश रहता हूँ और सबको खुशियाँ बांटता हूँ। और मेरा मकसद है बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के महिलाओं से लेकर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी भारतवासी ने विश्ववासी सबको खुशियाँ बांटो, और जब तक जीऊँगा तब तक बांटूंगा, कम से कम 50 साल का एजेंडा तो है मेरा, आगे का चलेगा फिर जो भी होगा। अच्छा अपना काम तो पूरा कर रहा हूँ और करेंगे, एक तरफ से करो दूसरी तरफ से करो, 5-5 मिनट करना है बच्चों, ठीक है करो। अब जैसे बच्चे सीरियसली कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े तो ऐसे ही बावड़े बावड़ों की तरह देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना, करो पूरा करो, घूम के देखो बेटा उधर से उधर उधर बाबू करो, कपाल भाती के साथ करो, कपाल भाती के साथ 2.5-2.5 मिनट ऐसे करना है तो शुगर ठीक बीपी ठीक। ये तो वेट का तो आजकल, पहले तो मैंने सोचा था मोटे मोटों को बहुतों को बुलाऊंगा, वेट वाला कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिया, वेट तो कम होता ही उसमें क्या कहना है। वेट बीपी शुगर थायराइड ये तो ठीक होता ही है ना, उसमें कहने की क्या बात है। अब उससे आगे बढ़ो जरा, अभी आगे ये बढ़ो कि जो धरती पर किसी से ठीक नहीं होता उसको ठीक करो योग से आयुर्वेद से प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के सारी चीजों को, और उज्जाई करो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उज्जाई सिंहासन जो कर सके तो मत्स्यासन सर्वांगासन हलासन भी करा देते हैं बच्चों को हो जाते हैं, बड़ों को तो सर्वांगासन होता नहीं है, जिनको वैसे भी हार्ट की प्रॉब्लम में बीपी आई उनको सर्वांगासन हलासन करवाते नहीं है, वैसे ठीक कर देते कपाल भाती उज्जाई सिंहासन और ये पॉइंट दबा करके कपाल भाती करा देते हैं। अब तो थायरोग्रिड दवाई भी बना दी है, पहले तो खाली कुछ साधारण चीजें ही बताते थे कि धनिया का पानी लो सिंघाड़े का पानी लो, अब इन एक 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 जड़ी बूटियों के तत्वों का विश्लेषण करके और उसके द्वारा औषधियां बन रही हैं, बना दी है। अब थायरोग्रिड पहली बार दवाई बना ही दी, जिनको डायबिटीज है उनके लिए पहले 5-6 चीजें मिलानी पड़ती थी, उनके लिए अब सिस्टोग्रिड डायमंड बना दिए, और गांठें यहीं रहते रहते लोगों की 15-15 दिन में ही घुल रही हैं, खत्म हो रही हैं कैंसर वालों की, बड़ी बात है। कुछ तो काफी मतलब 25-50% कैंसर वाले रोगी 15-15 दिन में 1-1 महीने में अच्छा होकर के जा रही है, बड़ी बात है।
तो कितने कितनी देर करना है एक आसन? 5-5 मिनट। चलो गोमुखासन में बैठो। तो तुमको अभी, मुझे तो अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए जाना है और तुम्हें लेकर के ही चलूँगा आज। टाइप 1 डायबिटीज वालों को, विशेष डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, जितने कोरोना से लोग मरे उससे ज़्यादा तो शुगर से मर गए, लेकिन कोरोना का रोना धोना चल रहा है। और उसके लिए भी हमने श्वासारी और कोरोनिल अनुतेल दे करके दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और अभी भी कह रहे हैं, जो भी बचना चाहते हो, रोज मेरे पास में छोटे बड़े लोगों का, मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर के डॉक्टरों से लेकर के, बोले स्वामी जी फेफड़ा गया, इतना डैमेज हो गया, लीवर गया, हार्ट गया, कल ही मैं बात कर, फोन आया, स्वामी जी मैं तो आपका सेवक हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हार्ट डैमेज हो गया। मैंने कहा बता रखा है अर्जुन की 40 हृदय। मैं तो बोले वो ले लिया तो 10% बढ़ गया, 30 पर आ गया था इंजेक्शन, फैक्शन 40 हो गया। मैंने कहा हृदय में तोड़ शुरू कर ले। बोले वो तो पता नहीं था। मैंने कहा पता कर ले, ले ले अब। दूसरा मीडिया का बहुत बड़ा आदमी था, बोले स्वामी जी मेरा तो पूरा ही सिस्टम ही डैमेज हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या, खिस्वासारी गोल्ड ले लो अभी। मैंने कहा उसका भी ज़्यादा डैमेज हो गया। तो बोले हाँ जी वो सुना तो था आपसे। मैंने कहा मंगवा ले अभी तुरंत। जिनको जिनको भी संभावना है कहीं से भी कोरोना लगने की, भाई जो घर में बैठे हुए हैं कहीं निकलते ही नहीं, लेकिन उनके भी घर में एक आधा तो बाहर घूमता ही रहता है, अब कौन कहाँ से क्या बला लेकर के आ जाए, तो भाई अपना श्वासारी कोरोनिल अपने पतंजलि में एक भी ट्रेजरी क्यों नहीं होने दी। जो योग ग्राम में खेती में भी काम करते हैं, घुसते ही गेट के ऊपर गर्म पानी से उनको श्वासारी कोरोनिल दिया जाता है, 2 श्वासारी 2 कोरोनिल सबको खानी पड़ती है। और उसके बाद अंदर, पहले तो उनको लगता था क्यों खिला रहे, अब उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको सर्दी जुकाम बुखार बीमारियां सब बंद हो गई और मस्त रहते हैं, तो अब तो खुद सामने से आके मांगते हैं लाभ दो प्रसाद की तरह। एक एक बैंक में, मैं पीछे बैंकों के काफी अलग अलग लोगों से मिला हूँ, MD से लेकर के ED से लेकर के, बोले जी हमारे बैंक में 200 मर गए, हमारे में 250 मर गए। मैंने कहा भाई तुम अपने बैंक में आने से पहले सबको दो दो श्वासारी कोरोनिल दो। और पतंजलि, ये साधारण बात नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना है कि हम लोगों के यहां पतंजलि में, हरिद्वार में करीब 12 से 15 हजार लोग काम करते हैं जो सैलरी बेस्ड है, बाकी तो लाखों लोग पतंजलि में अलग अलग सेवाएं देते हैं, वो अलग है। उनको भी किसी को, एक भी व्यक्ति को हमने कोई दुर्घटना से ग्रसित नहीं होने दिया। ये श्वासारी और कोरोनिल का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। और जिन बहुत सारी कंपनियां देश भर की, मारुति से लेकर के अलग अलग कंपनियों के लोग यहां से लेकर के गए, बोले हमें फैक्ट्री चलानी है जी। पहले अब तो थोड़ा सा ये हो गया कि जिस इलाके में जो मिलता है वहीं छोटा मोटा कुछ साफ सफाई करके अपना फैक्ट्री बोले चालू कर दो। पहले तो एक फैक्ट्री में एक मिले, पूरी फैक्ट्री बंद। बावड़ेपन में बहुत उल्टे पुलटे एक्सपेरिमेंट हुए देश में, अब तो कम से कम। लेकिन इतनी बात तो जरूर है, खतरा अभी टला नहीं है और 2022 तक भी टलने वाला नहीं है। और ये जो वैक्सीन है और इसके भी अब मामले क्या क्या होंगे, अभी इसके ऊपर वक्त के साथ बताते रहेंगे। इतना तो मैंने बता दिया कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, ये खाली इम्यूनिटी, और वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करो, कितने दिन रहेगी, 6 महीने रहेगी, 9 महीने रहेगी, कि कितने दिन रहेगी और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, सब भविष्य के गर्भ में है। तो भाई अपना योगा अभ्यास श्वासारी कोरोनिल ये खाओ पियो, ये थोड़े दिन में ये जीव, ये एक प्रकार का वायरस है, ये भी थोड़े दिनों के बाद में ये भी खत्म हो जाएगा, मीन्स इसका असर कम हो जाएगा, सर्दी जुकाम के वायरस की तरह हो जाएगा। फिर ये क्या है ये सब, फिर वो जी मर रहे हैं, तो मर किससे रहे, मर रहे हैं डायबिटीज से, मर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम से, मर रहे हैं ऑर्गेन फेल, कोरोना बदनाम हो रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनकी कोरोना के साथ रिश्तेदारी है ना, तो उसकी बदनामी से इनको बड़ा डर लग रहा है। मजाक की बात है, चलो एक बार जोर से हंस लो। हंसो बेटा, चलो हंसो एक बार जोर से। तो अभी आस्था पर तो यही विराम देना पड़ेगा, क्योंकि रोज हम ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।